अपनी फोटो रख देती हूँ। मेरी फोटो देख देख कर याद करेगा मुझे। ओहो, मायके जाने की तैयारी हो रही है। करो 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 करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, जाना चाहिए। बड़ी दुआएं मिलती माँ बाप की, हमें सुकून नहीं मिलेगा। और सुनो, बहुत आराम से आना, कोई जल्दी नहीं है, बॉस बहुत जल्दी नहीं। आए, क्या कह रहे हो? मैं नहीं जा रही हूँ मायके, ये तुम्हारा बैग है, गौर से देखो, तुम्हारा सामान है। मेरा बैग क्यों? लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ? तुम जा रहे हो ना कल सुबह मेरठ इंटरव्यू देने। यार मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं मेरठ नहीं जाऊंगा, और दूसरी बात ये कि मुझे छोटी मोटी जॉब करनी ही नहीं है ना लाइफ में, बात खत्म हुई। कौन सी जॉब करनी है, गवर्नर की? देखो यार, तुम मेरे जॉब को लेकर दिमाग खपाना बंद करो, मैंने सोच लिया मुझे क्या करना। I'm very focused. पिछले 7 सालों से तो तुम आउट ऑफ फोकस हो, और पिछले 7 सालों से मैं यही तो जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर तुम लाइफ में करना क्या चाहते हो। मैं किसानी करना चाहता हूँ। क्या? क्या कहा तुमने, फिर से एक बार कहो। मैं किसानी करना चाहता हूँ। I want to be a farmer. तुम किसानी करना चाहते हो? तुम्हारे पुरखों में से कभी किसी ने किसानी की है? मेरे पुरखों ने किसानी करी है। मेरे परदादा थे, वो अंग्रेजों के जमाने के किसान हुआ करते थे, मालूम है आपको, और उनके खून में खून नहीं बल्कि फर्टिलाइजर बहता था, और उसी खुशबू में अपनी नसों में महसूस करता हूँ, अपने खून में महसूस करता हूँ। ठीक, तुम्हारे परदादा दादा सबकी छोड़ दो, अपनी बताओ, तुम्हें आता है हल चलाना? तुमने कभी लाइफ में हल चलाया है? मैडम, बुराई ने बंदूक चलाना सिखा दिया है, तो नेकी हल चलाना सिखा देगी। क्या क्या डायलॉग मारा तुमने अभी? यार हल चलाना को रॉकेट साइंस तो है नहीं यार, और दूसरी बात है कि मैं किसान का बच्चा हूँ, और किसानी मुझ में है। आई कैन डू इट, आई नो इट, आई कैन डू इट। यार चलो ठीक है, तुम्हें हल चलाना भी आता है, कहाँ चलाओगे हल? हल चलाने के लिए जमीन कहाँ से आएगी? हाँ, रोड पे चलाओगे या घर में चलाओगे? मैडम, जब किसान हल लेके खड़ा हो जाता है ना, उसके सामने जमीन पैदा हो जाती है। यानी कि तुम मेरठ नहीं जाओगे? मैं किसानी करूंगा। और ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? बिल्कुल। ठीक है, तो मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे किसान बनते हो और कैसे हल चलाते हो। बेबी, मेरा तुम्हें ये चैलेंज है कि मैं एक सक्सेसफुल, एक सफल किसान बन के दिखाऊंगा, और तुम्हें मुझ पर फख्र होगा। यू टेल द होल वर्ल्ड, यस, ही इज माय हस्बैंड एंड ही बिलोंग्स टू मी। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो होल वर्ल्ड को बिना बताए अपनी सारी बिलोंगिंग्स, बोरिया बिस्तरा लेकर तुम घर से चले जाना। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया, सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब पेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई। चल यहां से।
कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलुका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली, चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना। ठीक है, हम आते हैं।